हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव, आज मैं अपने आप लोगों के इस वीडियो में सिलोगिज्म का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रीलिम्स के एग्जाम में, ओके, पांच नंबर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे, और मेंस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, मेंस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ओके। IBPS PO मेंस में इसी साल जो है 2017 में सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे, ओके। तो मैं पार्ट वन लेके आया, जिसमें आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ओके। इससे आपके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है या फिर कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स है वो आपको दूर हो जाएंगे, ओके। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी दो सेकंड में, ओके। पांच क्वेश्चन जो है अगर आप दो सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके टाइम जो है बहुत ही सेव होते हैं, ओके। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस होते भी हैं बहुत ही इजी, ओके, और आप मतलब कोई भी जो है पर्सन जो पांच क्वेश्चन जो आते हैं वो तीन मिनट में, दो मिनट में, दो से तीन मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो कंसेप्ट आप लोग क्लियर कीजिएगा इस वीडियो से, ओके, और मैं फिर पार्ट टू भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या है, ओके। तो सबसे पहले सिलोगिज्म होता क्या है, ओके, सिलोगिज्म में क्या होता है, ओके। तो सिलोगिज्म में क्या होता है कि स्टेटमेंट दिया रहता है, ओके, क्वेश्चन में जो है वो स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बाद एक कंक्लूजन ऑप्शंस में रहते हैं, ओके, कंक्लूजन ऑप्शंस में रहते हैं, और ये कंक्लूजन जो है वो आपको डायरेक्टली देखने से नहीं पता चलेगा, ओके, आपको कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली बेस्ड रहता है, ओके, लॉजिकली बेस्ड रहता है, वो आपको डिराइव करना पड़ेगा, ओके। तो आप लॉजिकली बेस्ड लॉजिक कंक्लूजन कैसे डिराइव कीजिएगा, तो कंक्लूजन डिराइव करने के लिए मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगा, ओके। वेन डायग्राम बहुत ही इजी है, ओके, किस मतलब वेन डायग्राम होता क्या, आप देखिए, मतलब कोई भी ए है, ओके, ए है, तो अब ए को जो है आप अगर सर्किल में रिप्रेजेंट करते हो, ओके, सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही सर्किल को वेन डायग्राम बोलते हैं, या फिर बी है, ओके, तो बी को अगर आप सर्किल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो बी हो गया, ओके। तो इसी सर्किल में रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं, और एक वेन सिलोगिज्म का एक प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मिनिमम ओवरलैपिंग, ओके, मतलब कोई भी मतलब वेन डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम ओवरलैपिंग होना चाहिए, ओके, ओवरलैपिंग होना चाहिए, ओके, तो तभी आप मतलब हर जगह आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल है सिलोगिज्म का, और ये मिनिमम ओवरलैपिंग है, ओके। देखते हैं अब, देखते हैं हम लोग आगे, ओके, आगे क्या, ओके, तो कुछ बेसिक टर्म्स है, ओके, सम बेसिक टर्म्स, ओके, सम बेसिक टर्म्स, तो पहला है फ्यू, ओके, फ्यू, मोस्ट, मेनी एंड मोर, ओके, ये सब वर्ड्स जो हैं आपको मतलब कहीं भी मिल जाए, ओके, क्वेश्चंस में अगर आप दिख जाए तो आप उन सब का मतलब क्या निकालिएगा, सम निकालिए, ओके, उन सब का मतलब जो होता है सम होता है, ओके। और दूसरा है नॉट ऑल एंड ऑल नॉट, नॉट ऑल एंड ऑल नॉट, ओके, ये दो वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिल गए तो इसका जो मीनिंग है क्या होता है, सम नॉट होता है, ओके। मैंने बहुत जगह ये चीज़ दिखा है, ओके, मतलब बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फ्यू, मोस्ट, मेनी, इनका मतलब क्या होता है, ओके, सम का मतलब तो आप लोग समझ जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो सम और सम नॉट पे ही रहते हैं, ओके, लेकिन कहीं कहीं पे एक स्टेटमेंट में आ जाते हैं, फ्यू से भी आ जाते हैं, मोस्ट से भी आ जाते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, ओके, तो उन सब का मतलब एक ही होता है, सम होता है, ओके। अब देखिए फोर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में क्या क्या है, पहला ऑल, ए इज बी, ओके, दूसरा सम ए इज बी, ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड टाइप्स है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी, ओके, नो ए इज बी। तो इसी फोर टाइप्स जो स्टेटमेंट होता है वही फोर टाइप्स को घुमा फिरा के मतलब मिक्सअप करके पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। तो देखिए अब हम लोग हर टाइप्स को ये बारी बारी से डील करते हैं, ओके। तो पहला टाइप क्या था, ऑल ए इज बी, ओके। तो अब इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब वेन डायग्राम क्या क्या हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले ऑल ए इज बी, ओके, ऑल ए इज बी, ओके। दूसरा वेन डायग्राम ये हो गया ए, ओके, ये हो गया ए, और इसी पे बी ओवरलैप कर गया, ओके, बी क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, ओके, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो गया,
ऑलवेज बी यहाँ भी पॉसिबल है और यहाँ भी यहाँ तो हो ही रहा है ओके okay? लेकिन मिनिमम ओवरलैपिंग में आप देखिएगा कि बहुत ये फॉलो किया जाता है. मिनिमम ओवरलैपिंग प्रिंसिपल से क्या फॉलो किया जाता है, ये वेन डायग्राम फॉलो किया जाता है ओके okay? अब देखिएगा यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन मैं बताता हूँ कुछ कुछ ओके okay? डेफिनेट कंक्लूजन तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो ओके okay? तो सम सबसे पहले तो सम बी इज ए डिराइव कर सकते हो ओके okay? दूसरा कंक्लूजन क्या ड्राइव कर सकते हैं, सम ए इज बी ओके. ये दो कंक्लूजन जो है आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ इस वेन डायग्राम से ओके okay? अब फॉल्स कंक्लूजन क्या क्या है ओके okay? फॉल्स कंक्लूजन क्या क्या, मतलब कौन सा कंक्लूजन जो होगा अगर आपको कहीं भी मतलब ऑप्शन में दिख गया तो वो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत है ओके okay? तो देखिए नो ए इज बी ओके एंड दूसरा नो बी इज ए ओके और एक और है ओके okay? थर्ड सम बी इज नॉट ए ओके, सम बी इज नॉट ए ओके. तो देखिए यहाँ पे ये सब जो है निगेटिव कंक्लूजन आ रहे हैं ओके okay? और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्टेटमेंट है पॉजिटिव है ओके okay? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता है ओके okay? ये हमेशा ये आप जो है मतलब फिक्स कर लीजिए, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ओके okay? यूनिवर्सल ट्रूथ है सिलोगिज्म का कि पॉजिटिव कंक्लूजन से कभी भी निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता ओके okay? अब दूसरा केस था, दूसरा केस था हमारा सम ए इज बी ओके, सम ए इज बी ओके. तो अब यहां से इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम तो ए बी ओके, दूसरा वेन डायग्राम ओके बी सम ए इज बी ये भी सही है ओके, तीसरा ए बी ये भी सही है ओके, थर्ड फोर्थ वन ओके ये दिस इज ए ओके, इसी पे ओवरलैप कर गया ओके okay? ओवरलैप किया हुआ ये बी तो ए इज इक्वल टू बी ओके. यहाँ से मतलब सम ए इज बी यहाँ से फोर वेन डायग्राम हो रहा है आ रहा है ओके okay? अब देखिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या क्या है इसका, डेफिनेट कंक्लूजन ओके. तो पहला डेफिनेट कंक्लूजन है सम ए इज बी से सम बी इज ए ओके, सम बी इज ए ओके, एक ही कंक्लूजन है ओके दोस्तों, एक ही कंक्लूजन यहाँ से डेफिनेट आ रहा है ओके दोस्तों. अब फॉल्स कंक्लूजन देखें, यहाँ से फॉल्स कंक्लूजन कितने आते हैं, फॉल्स कंक्लूजन आएगा नो ए इज बी, नो ए इज बी, दूसरा नो बी इज ए ओके एंड थर्ड सम बी इज नॉट ए ओके, सम बी इज नॉट ए. ये यहाँ से अगर आप इस वेन डायग्राम को देखिएगा तो आप बोल सकते हैं सम बी इज नॉट ए, बट मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन दोस्तों नहीं आता है ओके. तो ये निगेटिव ये तीनों जो है निगेटिव कंक्लूजन ओके, तो ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे ओके. अगर आपको ये सम ए इज बी मिल गया कहीं पर और ये तीनों कंक्लूजन मिल गया तो आप तीनों को डिस्कार्ड कर सकते हो ओके. अब चलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या था, थर्ड केस हमारा क्या था, थर्ड नो ए इज बी ओके, नो ए इज बी ओके. अब इसका वेन डायग्राम देखिए ए बी ओके, एक ये हो गया. अब इस वेन डायग्राम से हमारा डेफिनेट कंक्लूजन क्या आएगा, देखिए डेफिनेट कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन पहला क्या आएगा नो बी इज ए, नो बी इज ए. दूसरा कंक्लूजन क्या आएगा सम ए इज नॉट बी ओके, सम ए इज नॉट बी. और तीसरा कंक्लूजन आएगा सम बी इज नॉट ए ओके. अब देखिए यहाँ पे नो ए इज बी क्या निगेटिव कंक्लूजन है और ये सब जो है निगेटिव स्टेटमेंट है, सॉरी बार बार कंक्लूजन मुंह में आ जा रहा है ओके okay? बुला जा रहा है. तो हमारा जो निगेटिव स्टेटमेंट से कब निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है तीनों, देखिए अब यहाँ से निगेटिव स्टेटमेंट से हम कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा ओके okay? देखिए फॉल्स कंक्लूजन क्या क्या है हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन पहला क्या है सम ए इज बी, सम ए इज बी. दूसरा सम बी इज ए. तो ये दोनों देखिए ये दोनों जो है क्या है गलत है ओके. तो आप लोग देखते हैं फोर्थ केस पे ओके. फोर्थ केस क्या हमारा, फोर्थ केस सम ए इज नॉट बी ओके, सम ए इज नॉट बी. अब यहाँ से हमारा वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्या क्या वेन डायग्राम होगा, दिस इज ए दिस इज बी ओके. एक वेन डायग्राम ये हो गया, दूसरा वेन डायग्राम ए बी ओके,
थर्ड वेन डायग्राम, दिस इज बी, ओके ए, तो ये हो गया। तो अब देखिए यहां से तो ये भी, क्योंकि यहां पे देखिए इस वेन डायग्राम को, तो ये पोर्शन जो ए का वो बी नहीं है, ओके तो ये तीनों वेन डायग्राम सही आ रहा है, ओके। अब यहां से डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है दोस्तों, ओके तो अब यहां पे फॉल्स कंक्लूजन देखिए, एक फॉल्स कंक्लूजन है, ओके यहां पे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके देखिए फॉल्स कंक्लूजन क्या है, पहला फॉल्स कंक्लूजन है कि सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, ओके मतलब सम ए इज नॉट बी, ओके स्टेटमेंट है हमारा सम ए इज नॉट बी, तो ये अगर कंक्लूजन में आ गया सम बी इज नॉट ए, ओके तो ये जो कंक्लूजन अगर आप देखें तो ये गलत कंक्लूजन है, ओके ये क्या है कंक्लूजन गलत है, देखिए इस वेन डायग्राम को सम बी इज नॉट ए, यहाँ देखिए सम बी इज नॉट ए, ओके तो यहाँ पे ऑल बी इज इक्वल टू ए पॉसिबल हो रहा है, ओके तो हमारा ये कंक्लूजन जो है क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाता है, ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम ओवरलैपिंग जो मैंने प्रिंसिपल बताया था, मिनिमम ओवरलैपिंग उसको कैसे यूज किया जाता है, ओके मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग का प्रिंसिपल हम लोग कैसे यूज करेंगे, ओके तो देखिए पहला क्वेश्चन, ओके तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम बी इज सी, ओके तो देखिए इसको अगर ड्रॉ करना है तो ऑल ए इज बी मिनिमम ओवरलैपिंग, ओके एंड सम बी इज सी मिनिमम ओवरलैपिंग, ओके तो ये हमारा वेन डायग्राम होगा इस स्टेटमेंट का, ओके okay? और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा ऑल ए इज बी, ओके सॉरी ऑल ए इज बी, ओके या ऑल ए इज बी, ओके दूसरा सम बी इज सी एंड नो सी इज डी, ओके तो अब देखिए इसका वेन डायग्राम मिनिमम ओवरलैपिंग प्रिंसिपल से कैसे होगा, ए ऑल ए इज डी, ओके ऑल ए सॉरी बी ऑल ए इज बी सम बी इज सी, ओके सम बी इज सी एंड नो सी इज डी, नो सी इज डी, ओके तो ये हमारा वेन डायग्राम होगा इस तीनों स्टेटमेंट का, ओके और इसी वेन डायग्राम पे आपको कंक्लूजन जो है बहुत ही इजीली दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, वेन डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो पांच क्वेश्चन जो है आप 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कीजिएगा, 3 सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 3 सेकंड में अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपका और बहुत ही टाइम बचेगा, आप अच्छा स्कोर भी कर पाइएगा दोस्तों, ओके अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी कोई भी टॉपिक या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और अपने नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उस क्वेश्चंस में बताऊंगा, ओके दोस्तों हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।